आज सूरज ने कुछ घबरा कर रोशनी की एक खिड़की खोली, बादल की एक खिड़की बंद की और अंधेरे में सीढ़ियां उतर गया। आसमान की भवों पर जाने क्यों पसीना आ गया। सितारों के बटन खोलकर उसने चांद का कुर्ता उतार दिया। नमस्कार, प्रसिद्ध कवि अमृता प्रीतम के इन शब्दों के साथ मैं आप सबका मार्था फैरल फाउंडेशन, प्रिया और रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट की तरफ से 5th मार्था फैरल अवार्ड सेरेमनी में स्वागत करती हूँ। हम शुक्रगुजार हैं कि आज आप सब हमारे साथ यहाँ हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भी हम सब के दिलों में बदलाव और आशा की रोशनी है। When Dr. Martha Farrell left us in September 2015, we set up the Martha Farrell Foundation to carry forward her spirit and legacy by advancing her work on gender mainstreaming. Dr. Farrell was highly pragmatic. Unka ye manna tha ki gender equality ko vastavikta banane ke liye hame ise apni rozana zindagi mein utarna hoga. To make gender equality a part of our homes, our workplaces, एवरीवेयर। पिछले 4 साल से मार्था फैरल अवार्ड में हमने उन संस्थाओं और उन व्यक्तियों को सम्मानित किया है जो डॉक्टर फैरल के विचारों और आदर्शों को अपने काम और सोच से आगे बढ़ाते हैं, जो नारीवादी की सोच को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं, हु प्रैक्टिस फेमिनिज्म इन एवरीडे लाइफ। द मार्था फैरल अवार्ड इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव to discover, recognize and honor mid-career individuals and committed institutions which have made valuable contributions in areas of work related to gender equality and women's empowerment. The annual award is given in 2 categories, most promising individual and best organization for gender equality. In 2019, as nominations for the award began to grow, a special jury award category was introduced to recognize one additional individual and one additional organization for the award. In 5 years, the award has become a collective space for recognizing change-making activists, groups, and organizations whose actions seek to create a gender-equal society. Until 2019, the Martha Farrell Awards were jointly organized by the foundation with Priya and Rizwan Adatia Foundation. During this period, it was our honor and privilege that activist, poet, and an inspirational figure for thousands of feminists, the late Ms. Kamla Bhaseen, was a member of the esteemed jury. Kamla Di ne award ki jury ka hissa hoke hame kahi adbhut sansthaon aur vyaktiyon ka chunav karne mein madad ki. Is saal, September mein wo bhi hame chhod kar chal basi. We remember her today on this momentous occasion, her spirit, her legacy, and her infinite capacity to love. Kamla Di ki yaad mein aaiye milkar dekhte hain ki kaise unhone pehle Martha Farrell Award ceremony mein maujood hokar hum sabko apne anokhe tareeke se prerit kiya. Assalamu alaikum, sat sri akal, and hello. मार्था को चाहने वाले उसे एडमायर करने वाले भी मार्था की जिंदगी का जश्न मना रहे हैं, नाचते हुए निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उस निकलने में बीच बीच में आंसू भी निकल जाते हैं, पर कोई बात नहीं। जिन मूल्यों और जिस काम के लिए मार्था काबुल में थी, जहां उन्होंने अपने जिस्म को छोड़ा, उन्हीं मूल्यों और कामों को आगे ले जाने के लिए यह अवार्ड शुरू किया गया है। मैं प्रिया और रिजवान अदातिया फाउंडेशन को मुबारकबाद देती हूं कि इससे बेहतर कोई तरीका नहीं होता मार्था की याद को दिलों से लगाए रखने का। बहुत सोच विचार के आपने ये आइडिया चुना है रिजवान साहब, और आप सबको बहुत मुबारक। दोस्तों, मार्था एक सच्ची नारीवादी थी।
इसलिए नारीवाद उसके लिए कोई किताबी चीज नहीं थी, ये कोई ऊपर से ओढ़ी हुई चादर नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। वो अपने नारीवाद को जीती थी। उसके लिए ऑर्गेनिक था फेमिनिज्म, पर्सनल और एंड पॉलिटिकल दोनों उसका इकट्ठा चलता था। इसलिए आज हम श्रीमती राजेश टंडन की बात नहीं कर रहे, मार्था फेरल की बात कर रहे हैं, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान। और अगर अपनी अस्मिता के लिए मार्था के दिल में इतनी इज्जत थी, तो जाहिर है कि वो जानती थी कि दूसरों की अस्मिता क्या है और दूसरों की इज्जत क्या है। और सबसे खूबसूरत बात मुझे मार्था की यही लगती है, हर पर्सनल एंड पॉलिटिकल। धीरे धीरे उसने, और ये बात जो मैं कहने जा रही हूं, राजेश ने बहुत खूबसूरत खत में लिखी थी, मैंने एक बार वर्कशॉप इनके साथ जेंडर की थी, उसके बाद राजेश ने बहुत खूबसूरत लंबा खत लिखा जो उसने कुछ साथियों के साथ और अपने कॉलीग्स के साथ बांटा, कि कैसे मार्था ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ के उसको भी एक बेहतर नारीवादी बनाया। मार्था ने युवा शक्ति और महिला शक्ति को समझने और बढ़ाने का काम अपनी जिंदगी में बखूबी किया। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस पर उसने काम किया जब बहुत कम लोग इस पर काम करते थे। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए उस पर काम किया। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, सेफ वर्किंग प्लेसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसीज, ये उसके खास काम थे। जिन लोगों को लोग मोहब्बत करते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो अपना जिस्म छोड़ देते हैं और हमारे दिलों में आके बैठ जाते हैं। जिन लोगों को लोग मोहब्बत करते हैं वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते, इन शब्दों का सच आज शायद हमें सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज हम उन लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन पे कमला दी और मार्था फेरल दोनों को ही बहुत गर्व होता। ऐसा लग रहा है कि आज वो भी हमारे साथ यही हैं। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मूव ऑन देन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द अवार्ड्स दिस ईयर। The nominations for the 5th Martha Farrell Award concluded on January 10th, 2021. We received a total of 120 nominations from across 22 states in India. After a rigorous due diligence process, the final selection of the awardees was made by an eminent jury. It was announced in 2019 with Priya and Rural Development Trust. The jury comprises Dr. Rajesh Tandon, who is the chairperson of the Martha Farrell Foundation and founder director of PRIYA; Dr. Pankaj Mittal, who is the secretary general of the Association of Indian Universities; Moncho Ferro, program director of Rural Development Trust; renowned theatre director Faisal Alkazi; independent journalist Namita Bandare; and Deepti Bopaya, CEO of GoSports Foundation. Last year, the most promising individual award was given to Ms. Mamta Singh, a gender activist from Lucknow who has been an unwavering source of support to survivors of sexual and gender-based violence and is committed to ensuring justice delivery even when it comes at a personal cost. Like Mamta, the finalists of the 5th Martha Farrell Award in the individual category this year, Deepa Pawar, the founder-director of Anubhuti Charitable Trust in Mumbai, Suman Devatya, core member of Dalit Women Fight in Rajasthan, Babita Rani, women's leader and paralegal based in Delhi, Yusa Lachinpa, the member secretary, Sikkim State Social Welfare Commission and member of the Sikkim State Women's Commission, and Dhirendra Pratap Singh, co-founder and CEO of Milan Foundation in Gurgaon. All of them tell us stories of change and courage and co-creating new cultures of collective leadership. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अब इस कैटेगरी के विजेता का नाम घोषित करने जा रही हूँ।
From 66 nominations and 5 finalists, the winner of the 5th Martha Farrell Award for Excellence in Women's Empowerment, Most Promising Individual is Ms. Deepa Pawar. Deepa Pawar is the founder director of Anubhuti Charitable Trust, and over the past 5 years, she has founded and built up perhaps one of the only nomadic and denotified tribe women-led organizations. Deepa works with adolescents, women and men at the grassroots level to promote gender equality and dignity at the intersections of caste and mental health justice. Let us take a look at her work from her home ground. युवा जो संविधानिक परिभाषा से लिंग न्याय की बात करते हैं, जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए लड़कियों के साथ बराबर की भागीदारी करते हैं, जो घरों के अंदर अपनी मम्मी की, अपनी बहनों की जगह समझते हैं, उनकी एक डेमोक्रेटिक एजेंसी समझते हैं, इस तरह के चित्र आज हमारे सामने हैं। जिंदाबाद साथी, मैं दीपा पवार, एंटी कास्ट फेमिनिस्ट एंड एंटी डीएनटी एक्टिविस्ट हूँ। मैं राइटर हूँ और रिसर्च भी करती हूँ। मैं खुद नोमैडिक ट्राइब गाड़िया लोहार घिसाड़ी इस समुदाय से आती हूँ। गए 20 सालों से मैं सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया से नजदीकी के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये काम करते हुए मेरे काम का मुख्य विषय जो है वो इंटरसेक्शनलिटी और मार्जिनलाइजेशन से आते हुए युवा युवतियाँ, लैंगिक अल्पसंख्यक जो उनके गांवों के कस्बों के विकास में उनके खुद के नेतृत्व के साथ सहभाग और बराबर की भागीदारी करें। ये काम करते हुए कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण मुझे प्रेरित करते हैं, जो जेंडर जस्टिस, पार्टिसिपेशन, एक्सप्रेशन, जिनकी नींव भारतीय संविधान और मानवीय मूल्यों से आते हुए मुझे ताकत देती है। दीपा आम्हाला सांगते की माणसांना जोडून ठेवण्याचं काम हे आपलं आहे। तुम्ही बघतच असाल की पाडू चला रे भिंत ही मद आडे येणारी, या मना मनातून बांध या एक वाट जाणारी। तर तसा पद्धतीचं जे आहे, जसं ते आम्हाला वाक्य खूप जवळचं वाटतं। माणसाला माणूस म्हणून बघायचं आणि त्याला त्या पद्धतीने त्याचे राईट्स त्यांना सांगायचे, तर हे खूप बेस्ट काम आहे। कम्युनिटी में जब वो एज अ ट्रेनर जाती है, कम्युनिटी में जब वो एज अ लीडर जाती है, तो वो लीडरशिप स्पेसेस जो आज तक सिर्फ मर्दों ने ऑक्यूपाई किया हो या प्रिविलेज कम्युनिटी से ऑक्यूपाई हुआ हो, वहाँ जब वो दीपा को देखते हैं तो वहाँ पर लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं। मैंने ये कई बार देखा है। और जैसे मैंने कहा कि वो क्योंकि बहुत वंचित से भी वंचित समुदाय से आती है, तो वो आदिवासी हो, वो नोमैडिक हो, वो ट्रांस वुमेन हो, ये सारे समुदायों में दीपा को वो अपना करके देखते हैं। तो मुझे लगता है कि खुद उस कम्युनिटी से होने का जो एक इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। मेरा विजन बहुत क्लियर था कि किनके साथ काम करना है, क्यों काम करना है, कौन से दृष्टिकोण से काम करना है। वो मेरा काफी तय था कि ऐसे समुदायों के साथ काम करना है जो हमारे नजरों को आम तौर पे दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत आसानी के साथ नजरअंदाज हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ हो, लैंगिक आरोग्य के विषय हो, जहाँ पे हम शरीर साक्षरता की बात करें, काम की जगह सुरक्षित होने की बात करें, युवाओं की शैक्षणिक और सार्वजनिक जगह जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लीडरशिप लेते हैं, वो जगह सुरक्षित होने की बात करें, ऐसे कई सारे जहाँ पे विषय है जो नेतृत्व के अंग से जुड़ते हैं, वहाँ पे कई सारे एक बेहतरीन रिजल्ट भी हमने पाए हैं। तो चेंज एक्सेप्ट करना और चेंज लाना, ये अनुभूति का मोटो है और उसके ऊपर हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। और अनुभूति के साथ जुड़ना हमें बहुत पसंद है, क्योंकि वो युवाओं को एक अलग मंच देते हैं, एक अलग उन्नति पे उन्हें देखना चाहते हैं, और उनके साथ हमें जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जमीनी नेतृत्व जितनी बड़ी मात्रा में सामने आएंगे, फ्रंट में आएंगे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। टोकनिस्ट लीडरशिप के अलावा वो एक्चुअल लीडरशिप में जब परफॉर्म करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी मात्रा में लोगों के सही मायने के जो छुपे हुए सवाल है, जो ज्वलंत सवाल है, जो संवेदनशील सवाल है, उनको आवाज मिलने का काम जो है वो हो सकता है। मैं
मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शिखा गिलदियाल जी को, जो डॉक्टर फैरल की खास दोस्त थी और एक एक्सपीरियंस डेवलपमेंट वर्कर हैं, कि वो मंच पे आकर दीपा को अवार्ड प्रेजेंट करें। दीपा, आई इनवाइट यू ऑन स्टेज टू एक्सेप्ट द अवार्ड। जिंदाबाद, जोहार और जय भीम। आपने जैसे मेरे फिल्म में ही देखा, मेरा जो काम है वो बहुत ज्यादा जमीनी है। मैं खुद नोमैडिक ट्राइब से हूँ और ऐसे समूह के साथ काम करती हूँ जहाँ पे कई मायने में वो समूह आपके आंखों के सामने होते हैं, रास्ते से चल के आपके बिल्डिंग के पीछे, कभी कम्युनिटी के इर्द गिर्द। लेकिन सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही इस तरह से है कि कुछ समूहों को नजरअंदाज करना हमें सिखाया गया है, उनके सवालों को आंख में चोली खेलते हुए हम दुर्लक्षित कर सकते हैं। इस तरह का प्रशिक्षण जो है वो समाज के मुख्य प्रवाह में मौजूद है, तो मेरा काम ही वो है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से क्यों है। ये अवार्ड मेरे लिए इसलिए भी बहुत मायने रखता है कि ग्राउंड में जो काम कर रहे लोग हैं उनकी विजिबिलिटी, एक तरह से रिसोर्सफुल मंच पे होना, आज की ताकत में और आज के इस वक्त में एक प्रायोरिटी का मुद्दा है। जहाँ पे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि बहुजनों के हो या जमीनी औरतों के जो सवाल हो वो उस तरह से नहीं उठाए जा रहे हैं। दमन की और पतन की जो एक तरह की रणनीति है, राजनीति है, वो इर्द गिर्द बहुत बड़े पैमाने में नजर आती है। तो जिनके साथ हिंसा हो रही है क्या वो जानते हैं हिंसा क्या है? जिनके साथ गैर बराबरी हो रही है क्या उनको अंदाजा है कि गैर बराबरी क्या है? तो अनुभूति का और मेरा जो 20 साल का सफर रहा है उसका काम ही यह है कि सबसे पहले एक संवैधानिक और मानवीय मूल्यों को कटिबद्ध होके, कमिटेड होके, औरतों के सही मायने के विकास के लिए हम एक्चुअली झगड़ा करें, सिर्फ काम ना करें बल्कि झगड़ा करें, सतत का जो है वो एक तरह की आवाज उठाए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मंच की, आप सभी की, कि इस तरह का मौका मुझे यहाँ पे मिला है। अवार्ड मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सब साथियों का मुझसे मिलना, एक कनेक्शन होना और बार बार एक भावनाएं जगना कि हम अकेले नहीं है, मानवीय मूल्यों की ओर संवैधानिक रास्ते में हम सब साथ है। और जो जिंदाबाद का नारा है कि हम जीतने के लिए लड़ेंगे, हम टिकने के लिए लड़ेंगे, और एक तरह के मूल्यों को अबाधित रखने का जो हमारा सफर है उसके अंदर ये जो सारे चेहरे है उसकी ताकत ही हमें आने वाले दिनों में एक बराबरी के समाज के लिए, लोगों की अस्मिता के लिए और गरिमा के लिए हमें बार बार सवाल पूछती रहेगी और हम काम करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मार्था फेरेल के बारे में मैंने सुना है, मैंने समझा है और मैं समझ सकती हूँ कि नारीवाद की कटिबद्धता इतनी आसान नहीं है। वो किसी मंच पे कहना आसान है लेकिन वो इतना आसान नहीं है कि वो आपके डे टू डे लाइफ में है। वो चैलेंज है, वो चुनौती है, वो आह्वान है, वो हर कदम पे है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज है, वो आपकी पर्सनल जिंदगी में है। आप कैसे बैठते हो, कैसे खड़े होते हो, कैसे हंसते हो, हर इस पे सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर है। तो मैं उस विचारधारा को कटिबद्ध हूँ, और सिर्फ नारीवाद को नहीं तो नारीवाद के भीतर भी जो इंटरसेक्शनल और मार्जिनलाइजेशन है उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। और ये पुरस्कार के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि आने वाले दिनों में आप मुझे जहां भी देखोगे ये कटिबद्धता आप वो हर मंच पे पाओगे। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस दीपा एंड थैंक यू शिखा जी। आगे बढ़ते हैं स्पेशल जूरी अवार्ड कैटेगरी की ओर। द जूरी अवार्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी गोज टू सुमन देवतिया फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। Suman Devatia is a senior Dalit woman leader and has been working with and for Dalit women for more than 15 years. Suman leverages her vast knowledge of human rights laws
and deep networks with grassroots movements to help caste-affected communities access justice. Let us get to know her work a little better. जिनकी लड़ाई उन्हीं की अगुवाई नहीं होगी तब तक हम उस काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। सभी को जय भीम। मेरा नाम सुमन देवठिया है। मैं दलित वुमेन फाइट के साथ एज ए कोर टीम मेंबर काम कर रही हूँ। साथ में ही आगाज फाउंडेशन है, उसकी मैं मेन ट्रस्टी हूँ। राजस्थान में पिछले 18 वर्षों से दलित वंशी समुदाय महिलाओं बच्चों के मानवाधिकारों को सुरक्षित करने हेतु मैंने काम किया है। राजस्थान जैसा फ्यूडल स्टेट है, यहाँ पे जाति और पितर सत्ता बहुत मजबूती से जड़े जमाए हुए हैं। उस स्थिति में एक दलित होना और महिला होना उसके लिए और ज्यादा संघर्षशील बन जाता है। तो फैमिली से लेकर के बाकी के प्लेसेस में भी मुझे इस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ा है। मेरी डाणी में दो बदमाश राजपूतों के छोरे जबरदस्ती रात में अपहरण करके ले गए और उसके साथ दूध ले जा करके बलात्कार किया। उसके बारे में हमने पुलिस को भी रिपोर्ट पेश की, मेरी पुत्रवधू को साथ ले जा करके। वहाँ की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब एक महीना लेट होने के बाद में हम फिर आके यहाँ जयपुर में सुमन जी की मार्फत से जब इनका जा करके चार सीट बना और पर पुलिस प्रशासन का मतलब दायन हाजिर किया, जो कुछ हुआ वो कर दिया। इनकी मेहरबानी से अपराधियों को पकड़ा और उनका चालान बाद में हुआ इनके प्रभाव से, नहीं तो हमारे को कोई नहीं सुनता, हम तो ठोकरे खा के परेशान हो गए। मैंने ये देखा है जो सुमन जी का जो काम है, जो खासतौर पर दलित महिलाओं के साथ जो काम है, वो अपने आप में बहुत स्पेशल काम है। क्योंकि हम राजस्थान में अगर नजर घुमा के देखते हैं तो शायद हमें मतलब ऐसी महिलाएं नहीं दिखती है जो इस तबके की महिलाओं के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनके समता वर्धन के लिए काम कर रही है। इसलिए जो इनका जो काम है वो एक विशेष काम है। राजस्थान में दो बार यात्रा मैंने किया है अपने नेतृत्व में, अपने साथियों के साथ में जाकर के। जो 20 जिलों में हमने यात्रा की है, गांव-गांव में ढाणी-ढाणी में जाकर के हम लोगों के साथ में मीटिंग करते थे। हमारी महिलाओं को, जो समाज के लोग हैं उनको, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनके साथ में मिलना है, पत्रकार लोगों के साथ में मिलना है, एक्टिविस्ट लोगों के साथ में मिलना है, जो लोकल मुद्दे निकल के आ रहे हैं उन मुद्दों के साथ में, प्रशासन के साथ में मिलना है, पुलिस के साथ में मिलना है। वहीं पे ही हम एडवोकेसी भी उन केसेस भी करते थे ताकि लोकल लेवल पे ही उन मुद्दों को सुलझाया जा सके और उनमें न्याय में सपोर्ट किया जा सके। आगाज फाउंडेशन के माध्यम से हमने एक दलित महिला आजादी अभियान का शुरुआत किया है, जो वो अभी काम कर रहा है और नेक्स्ट फ्यूचर प्लान भी हमारे लिए वही है। हम चाहते हैं कि और अच्छे से इन दलित यूथ गर्ल्स जो ग्रास रूट लेवल से आती है, उनके लीडरशिप को मजबूत किया जाए, उनकी स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि वो ग्रास रूट पे रह करके वो अपनी कम्युनिटी के विकास के मुद्दों पे काम कर सके, वो उनके मानव अधिकारों को सुरक्षित कर सके, वो बाकी की बहनों को जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात कर सके। कोई भी हो, वो हर तरीके से उनको वहीं पे ही मदद करे। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी एस्टीम्ड जूरी मेंबर डॉक्टर पंकज मित्तल को कि वो स्टेज पे आके सुमन को अवार्ड प्रेजेंट करें। Suman, I request you to come on stage and accept.
Dr. Pankaj, may I request you to remain on stage? And Suman, we would love to hear a little bit from you. Thank you so much for this award and recognition to our work. Actually, में हम जैसे दीपा ने बोला था, मैं उसी चीजों को यहाँ पे बोल रही हूँ. हम वो लोग हैं जो जमीन स्तर पे रात दिन जेंडर इक्वलिटी, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी, सेक्सुअल इंटरसेक्सुअलिटी, हर तरीके के मुद्दों पे हम महिलाओं को आए दिन वहां पे अवेयर करते हैं, ताकि आगे आने वाली कम्युनिटी को, हमारे समाज के लोगों को इस तरीके का संघर्ष ना करना पड़े. वो आपने हमारे उस वीडियोस में भी देखा है. मैं यहाँ पे आपको एक चीज, ये मैसेज मेरे थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि इस सोसाइटी में दलित होना, महिला होना, वंचित समुदाय से होना और उसके लिए राइट बेस काम करना मीन्स आपके करेक्टर, आपकी लाइफ को थ्रेट, बहुत सारे आपको संघर्ष के साथ में आपको चलना पड़ता है और उस वजह से आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है. लेकिन इस तरीके के रिकॉर्गेनाइजेशन जब हम सबको मिलते हैं, जो खास करके जमीन स्तर पे बैठकर के एक महिला काम करती है, वो हर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की बात करती है, जो हमारे हित में बने कानूनों की बात करती है, जो सरकारों से इस तरीके के कानून बनाने के लिए प्रेशराइज करती है, वो बहनों को अगर ये रिकॉर्गेनाइजेशन, मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए करना चाहती हूँ मार्था फेरल, प्रिया एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट का, कि इससे हमें एक रास्ता ही नहीं, आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चों को एक मोटिवेशन देता है, हमारे काम को और मजबूत करता है, ताकि हम बेपरवाह है, बिना चिंता के, बिना कुछ सोचे, हम जिस रास्ते पे हमारे संविधान को मजबूत करने के लिए, इस समाज को कास्ट जेंडर बेस फ्री करने के लिए, इक्वलिटी को स्थापित करने के लिए, महिलाओं के खुद की लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए हम जो काम कर रहे हैं उसको और ज्यादा मजबूत करेगा. इससे बड़ा अवार्ड हमारे लिए हो ही नहीं सकता है. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मार्था फेरल जी ने इस तरीके का जो काम किया है, और यहाँ पे मैं इस मंच के माध्यम से सभी के सहयोग से ये कहना भी चाहती हूँ कि उन्होंने जो काम किया था, उन्होंने जिस सोच के साथ में अपने विचारों को आगे लेके गए थे, और उन्हीं के विचारों से हमारे जैसे लोग प्रभावित होकर के आज यहाँ पे इस स्टेज पे आए हैं. मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि हम उस दिशा को, उनके काम को, उनके विचारों को हमेशा जिंदा रखेंगे, आगे लेके जाएंगे और इस तरीके से हर उन बहनों को तैयार करेंगे कि आज यहाँ पे सुमन या दीपा खड़ी होकर के ले रही है, हमेशा इसी तरीके से आकर के यहाँ पे आएंगे और हम एक दिन नई सोसाइटी का निर्माण करेंगे जहाँ पे खुशहाली होगा. अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरी यहाँ पे, और ये अवार्ड है वो मैं उन पीड़ित बहनों को समर्पित करती हूँ कि उन्होंने इतना संघर्ष किया है, जिन्होंने जाति के नाम पे भी अत्याचार सहन किया है, जिन्होंने अपने घर में पितृ सत्ता के रूप में उन्होंने संघर्ष किया है, आर्थिक रूप से मजदूरी के नाम पे उन्होंने शोषण को सहन किया है, तो वो बाहर निकल के बोली हैं, वो लड़ी हैं, वो हमारे अधिकारों को साथ लेकर के चलने के लिए हिम्मत दिखाई है, तभी हम काम कर पा रहे हैं और उन तक पहुंच पा रहे हैं. उन्होंने हमारी भावनाओं को समझी है और हम मिलकर के इस न्याय की लड़ाई को लड़े हैं. तो मैं चाहती हूँ कि वो बहनें इस अवार्ड की हकदार है जो यहाँ पे उनके मेहनत और उनकी संघर्ष को मैं यहाँ पे अपने हाथों से प्राप्त कर रही हूँ. पूरी मैं दलित वुमेन फाइट की टीम को यहाँ पे धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस तरीके से कलेक्टिव रूप से काम किया है और इस तरीके से जो हर स्तर के मुद्दों को उठा करके जमीन स्तर पे, चाहे वो यात्रा के माध्यम से हो, चाहे वो एडवोकेसी के माध्यम से हो, चाहे वो फैक्ट फाइंडिंग के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, मुद्दों को उठा करके समाज में ये चीज लाके खड़ा किया है कि आज हम ना ही जाति के नाम पे अत्याचार सहन करेंगे, ना ही पितृ सत्ता के जेंडर के रूप में, इकोनॉमिकली इक्वल इनइक्वलिटी के रूप में किसी भी तरीके से हम कोई
भी भेदभाव नहीं सहन करेंगे, अत्याचार सहन नहीं करेंगे। तो मैं पूरी दलित वुमेन फाइट टीम को, जो राजस्थान की पूरी इस प्रोसेस में जो काम करने के साथ में पूरा टीम है, इंक्लूडिंग जो ताराचंद जी जो अभी यहाँ पे बात कर रहे थे, बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, तो मैं उन सबको इंकरेज करना चाहती हूँ कि प्लीज आप सब लोग अपना काम को कंटिन्यूसली रखिए, और ये काम ही हमें एक पूरा नई दिशा देगा, हमें पूरा एक हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सोसाइटी का निर्माण करेगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि हम जैसे ग्रास रूट वर्कर्स को यहाँ पे लाकर के प्राउड फील करवाया है और हमारे संघर्ष को आपने स्वीकार किया है। सब मिलकर के हम आगे लड़ेंगे। हम दो नारा लगाते हैं तो मैं लगाना चाहूंगी, तो आप भी मुझे साथ दीजिए। जय भीम, जिंदाबाद, जय संविधान। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कंग्रेचुलेशन सुमन जी, एंड थैंक यू फॉर योर पावरफुल वर्ड्स। थैंक यू डॉक्टर पंकज फॉर स्टेइंग ऑन। डॉक्टर पंकज मित्तल इज टुडेज गेस्ट ऑफ ऑनर एंड एस्टीम्ड जूरी मेंबर फॉर द मार्था फैरल अवार्ड्स एंड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, only the second woman to do so in its 96 years of existence. Dr. Mittal has also served as the first regular vice chancellor of Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya in Sonipat, which is also one of the 6 finalists shortlisted for this year's award in the institutional category. Thank you, ma'am, for joining us, and we would love to hear from you. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी आज के अवॉर्डीज़ को। दो नाम अनाउंस हो चुके हैं, दीपा एंड सुमन, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। एंड ये भी कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं जूरी में हूँ तो मुझे पता है कि ये अवार्ड आपको कितने मुश्किल से मिले हैं। कॉम्पिटिशन इतना टफ था एंड इस वाले अवार्ड में कोई सिफारिश नहीं चलती है, तो इट वॉज ओनली एंड ओनली ऑन मैरिट कि आप सबके काम को, मतलब उस जूरी में लड़ाई झगड़ा भी होता है कि हाँ इसको देना चाहिए या इसको देना चाहिए, और उसके बाद जब पूरी तरह से सहमति बनती है कि हाँ इनका इस वजह से इन्हीं का ही हक बनता है उस अवार्ड पे, तो अवार्ड दिया जाता है। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो आपके काम देखे हैं, जिस तरह से काम किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अवार्ड आपको सुशोभित नहीं कर रहा है, आप अवार्ड को सुशोभित कर रहे हैं। So that is something very, very important. जब आप जय भीम का नारा लगा रही थी अभी, तो एकदम से फ्लैशबैक हुआ फिल्म जय भीम, जो अभी थोड़े दिन पहले ही हमने देखी। एंड जब उस फिल्म को देखा तो एक तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से कास्ट बेस्ड वॉयलेंस हमारे देश में हो रहा है, किस तरह से एक प्रेग्नेंट वुमेन रन्स फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट जस्टिस, उसका हस्बैंड जो पुलिस कस्टडी में था कैसे उसको छुड़वाना है। तो जब आपके बारे में बताया जा रहा था तो मुझे लग रहा था जो उसमें एक वकील की भूमिका थी और जो महिला थी प्रताड़ित, तो ऐसी महिलाओं को बचाने का काम, प्रोटेक्शन का काम, वो मुझे लगता है सुमन जी कर रही थी। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरह की महिलाओं को, दलित महिलाओं को, जो कि सचमुच में हमारे समाज में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, माइक पे खड़े होकर बोलते हैं, भाषण देते हैं, कॉन्फ्रेंसिस करते हैं, पर जो जमीनी लेवल पे जो काम है वो आप लोग करते हैं। तो इसलिए आपको अवार्ड देना हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम आपको अवार्ड दे पाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और जहाँ तक मार्था का सवाल है, मार्था वॉज ए वेरी वेरी डियर फ्रेंड। उससे मेरी मुलाकात भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में हुई, जहाँ मैं वाइस चांसलर थी। पहली बार हमने पहला डिपार्टमेंट खोला था सोशल वर्क का, मंजू जो उस डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं यहाँ बैठी हैं। तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी सोशल, क्योंकि कभी इस तरह का काम किया नहीं था। तो जब मार्था आई सीन में और प्रिया आई सीन में हमारे सोशल वर्क डिपार्टमेंट के लिए, हमारे सोशल वर्क डिपार्टमेंट का मैं कहूँ स्टेटस ही बदल गया, काम करने का तरीका ही बदल गया। और मार्था आके कितने लोगों को उसके साथ जोड़ा, और शी ओनली टोल्ड अस कि कैसे हमें डिपार्टमेंट को ही नहीं, कैसे यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाना है, कैसे इस प्रोजेक्ट को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि वो विमेन यूनिवर्सिटी, तो कैसे विमेन को आगे बढ़ाना है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू मार्था, एंड नॉट ओनली व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी बट व्हेन आई केम बैक टू यूजीसी, जो कि मेरा पेरेंट ऑफिस है,
वहाँ आके हमने शुरू किए बहुत सारे जो उन्होंने राधा मार्था ने शुरू किए सेफ कैंपसेस के ऊपर, उनकी पूरी मुहिम थी कि हमारे देश में 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 40,000 कॉलेजेस हैं, तो इतने सारे कैंपसेस को सेफ तो रहना चाहिए, और सेफ कैंपसेस को कैसे इंश्योर किया जाए कि वो सेफ कैंपसेस हैं, किस तरह से ट्रेन किया जाए फैकल्टी को, लीडर्स को, स्टूडेंट्स को, कि वो सचमुच में सेफ रहें और आसपास के एनवायरनमेंट को, पूरे इकोसिस्टम को सेफ रखें। तो इस सब में मार्था ने बहुत बड़ी भूमिका अपनाई, एक बहुत अच्छा कोर्स शुरू किया, मैंने खुद उस कोर्स को अटेंड किया कि कैसे सेफ कैंपसेस होने चाहिए और कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे यूजीसी में बहुत सारी सक्षम की रिपोर्ट आई, कैसे जैसे सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर आया एक बिल आया सेक्सुअल हरासमेंट पे, तो किस तरह से असली में क्रिएट करना। और आज भी जब मार्था चली गई हैं, आज भी सेफ कैंपसेस पे ट्रेनिंग हमारा मार्था फेरल फाउंडेशन के थ्रू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के थ्रू हम यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं। नंदिता इज स्टीयरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम और हमारी तरफ से डॉक्टर रमापानी है। तो इतना उन कोर्सेज के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों में कि वो चाहते तो हैं सेफ कैंपसेज रहें पर कैसे रहें ये नहीं पता, तो वो कोर्स उनको बताता है कि कैसे सेफ कैंपसेज को क्रिएट करना है, जो कि बहुत बड़ी जरूरत है आज की डेट में, जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अभी कमला जी ने बोला कि वो वुमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ बात नहीं करती थी, वो उसको जीती थी, मतलब फेमिनिज्म को जीती थी, सचमुच में जीती थी। कभी कभी बात होती है ना कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम झंडे लेके खड़े रहे और पुरुषों को नेगेट करते रहे, दैट इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन नेगेट ना हो, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन अपने हक की लड़ाई लड़ सकें, उनके डिसीजंस को मान्यता मिल सके, वो अपनी तरीके से जी सके, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा, मंजू वुड रिमेम्बर दैट, कि हमने बहुत सारे वहाँ पे कोर्सेज किए थे माइक्रो फाइनेंसिंग वगैरह के, तो उन माइक्रो फाइनेंसिंग के कोर्सेज में हमारे बच्चे, आई मीन वो कोर्सेज इस तरह से थे 50-50, मीन 50% इन द क्लासरूम एंड 50% इन द कम्युनिटी। तो हमने वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को कोशिश की, बेसिकली मंजू वाज स्टीयरिंग दैट, कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएं, कैसे छोटी छोटी चीजें खरीदी जाएं, लाइक किसी ने भैंस खरीद के अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करी, किसी ने दुकान खोली, किसी ने कुछ। तो मुझे याद है एक लेडी थी बाला, तो उसने एक बाला परचून स्टोर खोला, बाला परचून स्टोर, तो हमने उसके लिए बोर्ड बनवाया बाला परचून स्टोर। उसने बोर्ड को देखा और उसकी आंखों से आंसू निगरने लगे, हमने कहा क्या हुआ, शीशेस महिलाओं के नाम पर भी बोर्ड हो सकता है दुकान का, मतलब आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि उनको सिर्फ ये चीज कि मेरे नाम पे दुकान का बोर्ड है, जबकि उनको लगता था सिर्फ पुरुषों के नाम पे ही दुकान के बोर्ड हो सकते हैं क्योंकि महिलाओं के नाम पे तो हो ही नहीं सकते। तो ऐसी एम्पावरमेंट की फीलिंग उसको मुझे उसके चेहरे पे दिखी कि यस टुडे आई एम एन एम्पावर्ड वुमेन, कि मेरे नाम पे मैं कुछ कर रही हूँ, मेरी रिकग्निशन हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट लाइक उनको अपने हक का, अपने अस्तित्व का एहसास दिलाती हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हैट्स ऑफ टू मार्था, एंड आई टोटली एग्री विद कमला जी कि दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेम्बर मार्था, इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता था। आज जिस शिद्दत से, जिस मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हम जो मार्था को याद कर रहे हैं, ये अवार्ड्स का, एंड आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर राजेश टंडन। हमारा जो ये पैट्रियार्कल सिस्टम है, मोस्टली अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए जाते हैं, मोस्टली फाउंडेशंस बनाई जाती हैं जेंट्स के नाम पे। ही हैज मेड ए फाउंडेशन इन द नेम ऑफ हिज वाइफ, अवार्ड इंस्टीट्यूट किया इन द नेम ऑफ हिज वाइफ, दैट इज क्रेडिटेबल। थैंक्स टू प्रोफेसर राजेश टंडन एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डॉक्टर मित्तल। वी मूव ऑन नाउ टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स। लास्ट ईयर Rural and Environment Development Society, REDS, Anantapur received the award for Best Organization for Gender Equality for their work to capacitate and collectivize women farmers of rural Andhra Pradesh and support survivors in their midst. Like them, the remarkable work of the 6 finalists in our second award category this year, Sappho for Equality from Kolkata, Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya from Haryana, Kolkata-based Swayam, Northeast Network operating in Assam, Meghalaya and Nagaland, Hyderabad-based Shaheen Collective
and Delhi-based Shakti Shalini. All of them show us that gender mainstreaming needs to be both inwards and outwards. It is my absolute honor to now announce the name of the winner in this category. From 54 nominations and 6 finalists, the winner of the 5th Martha Farrell Award for Excellence in Women's Empowerment, Best Organization for Gender Equality is Shaheen Women's Resource and Welfare Association. Shaheen is a grassroots organization located in the old city of Hyderabad that supports and promotes women's rights and communal harmony through the empowerment of women in Muslim, Dalit, and OBC communities. Shaheen has 5 key strategic areas of intervention for the growth and empowerment of women: economic, health, gender and child rights, advocacy, and culture and harmony. Let's have a closer look at their work. Onwards, this place was always prone to communal riots, always. So then I decided that I should work here and work with all the communities and make it a point that there is peace outside home, and then work on gender equality so that there can be peace at home. So working about peace at home and outside home, that was my interest. Among Muslims, we are not allowed to go to the temples. We are not allowed to sing or dance. Women are not even allowed to laugh loudly. Such restrictions. So what we did was we made these girls feel that we are equal. मेरा नाम सुल्ताना है और मैं शाहीन में पिछले 15 साल से काम कर रही हूँ. शाहीन में आने से पहले मैं खुद एक वायलेंस फेस कर रही हूँ जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था. शाहीन एक ऐसा इदारा है जहाँ पर लड़कियों और औरतों को स्पेस है. वहाँ लड़कियाँ सुरक्षित ही नहीं रहती है बल्कि अपने ज़िंदगी के कुछ ख्वाबों को पूरा करने वाली भी बन सकती है, जैसे तालीम है, स्किल ट्रेनिंग है या आगे की पढ़ाई हो, मेन स्ट्रीम हो, डिस्टेंस एजुकेशन हो. वो लड़कियाँ लेने लगी और हमारे महल्ले में बहुत सारे शाहीन के बारे में मानना शुरू करें. और मैं आज फख्र से कह सकती हूँ कि शाहीन एक ऐसा इदारा है जिसमें ना सिर्फ एक लड़की बल्कि एक जूझी हुई औरत को समाज में जीने का अधिकार दिया और अपने खुद के फैसले लेकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का मौका दिया, जिसमें मैं अपने कम्युनिटी के औरतों के साथ ही अपने उसी कम्युनिटी में रहकर काम करने के लायक बनी. पहले मैं यहाँ पर आकर मेहंदी डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर सब सीखती थी. अब यहाँ पर एज ए फैसिलिटेटर मैं जॉब कर रही हूँ. यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत सारी अवेयरनेस मिली रही है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है और एक लड़की को कितना ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और करियर ओरिएंटेड रहना कितना ज़रूरी है, ये सब समझ मुझे यहाँ पर आने के बाद हुई. वी हैव आवर इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी अंडर द पॉश एक्ट इन प्लेस. We make sure that our employees are well aware about it and are able to bring up the relevant issues when required with the ICC. हमारी ये कोशिश है कि एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर सके जहाँ पर जेंडर, कास्ट, क्लास का कोई फर्क ना हो, सब लोग इक्वल हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सबको इक्वल रिसोर्सेस मिले, किसी को भी फर्क ना रहे. और जो भी हरासमेंट लड़कियाँ फेस कर रहे, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट हो, चाहे जेंडर बेस्ड वायलेंस हो, छोटे से छोटा वायलेंस हो या बड़े से बड़ा, वो सारा वायलेंस खत्म हो और लड़का लड़की इक्वली और इक्वल रेस्पेक्ट के साथ में रह सके. दीज आर अवर पिलर्स. दे वर्क फॉर दिस.
Whatever Shaheen is today is because of these girls who are from the ground, who are the survivors themselves, empowering not themselves, just themselves, but others also. Main hoon noor, noore jahan, ismat ki jaan. Main kali mata hoon, nirmal hriday ki andata hoon. Maine tum sabko janam diya hai. Kokh se meri tum nikle ho, phir bhi mujhse pooch rahe ho. Main kya hoon? मैं लुटता हूँ कायनात का मरकज। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पुष्पलता जी को, जो रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट की रीजनल डायरेक्टर हैं, कि वो मंच पर आकर शाहीन कलेक्टिव को अवार्ड प्रेजेंट करें। आई इनवाइट मिस जमीला निषाद, फाउंडर ऑफ शाहीन, टू कम ऑन स्टेज एंड एक्सेप्ट द अवार्ड। Congratulations, Shaheen. We'll hear more from you in a little while. We'll hear from you in a little while, but thank you. Please take your seat. Pushpalata ji, I request you to kindly address us. Respected delegates and respected all participants, namaste from RDT and Martha Ferrell. I am Pushpa, working as a regional director in Rural Development Trust, Anantapur district. Today I am very glad to hear at the 5th Martha Ferrell Award, on behalf of Rural Development Trust, feel honored to partner with Martha Ferrell Foundation and PRIA. We have very clear and common objectives, gender equality and women empowerment. We believe that today, more than ever, there is a need to recognize and celebrate the outstanding contributions of individuals and organizations who are inspiring others in creating inequitable societies around us. As our co-founder Vincent Ferrer once said, I have faith in a people of their capacity for action. And this partnership is an example of it. From my experience of working with tribal communities in Nallabala forest, I have learned that in a person alone, we cannot do anything. But working with others, supporting each other, we can bring the desired change in every nook and corner of this world. For the past 50 years of RDT has been working with a strong commitment to eradicate the poverty, suffering, and injustice. We understand gender inequality is the biggest and oldest injustice in society from the immemorial. RDT believes that communities are the main actors in their own development. Many individuals and organizations are facilitating, capacitating to the communities fight the gender injustice. We throw the Martha Ferrell Award. We are here to work together, support, recognize and honor the individuals and organizations who are making significant contributions in ending gender inequality and building a better tomorrow for all of us. I would like to congratulate winners Deepa, Suma and Shaheen Collective, and I wish you all the best as you go on to fight the good fight. My sincere thanks to Sister Anna Ferrer, Executive Director and Co-Founder of Rural Development Trust, and Sri Manju Ferrer, Program Director, Rural Development Trust, and also Martha Ferrell Foundation and PRIA. Thank you, one and all.
Thank you, Pushpalata ji. Moving on to the recipient of the Special Jury Award in the organization category. For their phenomenal work towards ensuring gender equality and supporting persons who identify as lesbian, bisexual women, and transmasculine persons, the recipient of the institutional award in the special jury category is SAFO for Equality. Let us have a closer look at their work over the years. My partner and two other couples, so lesbian couples. So we became six, and with these six persons, we actually started SAFO in 1999. 1999 সালে SAFO তৈরি হয়েছিল. So সেই সময় যেটা হয় যে তখন আমার বয়সটা অনেকটা ছোট. নিজের জেন্ডার আইডেন্টিটি সেক্সুয়ালিটি মানে এই শব্দগুলোর সঙ্গে অতটা বেশি পরিচিত ছিলাম না অ্যাকচুয়ালি একটা বাংলা পত্রিকা আনন্দবাজার পত্রিকাতে একটা আর্টিকেল বেরোয় রবিবার শরীয়তে ছালচাপা পায়া বলে তো সেই আর্টিকেলটা দেখি সেখানে লেখা ছিল মালবিকা আকাঙ্ক্ষা এই জীবনে বিয়ের পিড়িতে বসবে না সো এটা দেখে মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ আমি যা খুঁজছি মানে আমার মতন মানুষ হয়তো তো ওখানে একটা পোস্ট বক্স নাম্বার দেওয়া ছিল সেই নাম্বারে চিঠি লিখি তারপরে মালবিকা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমরা বাইরে দেখা করি দেখা করার পর তারপরে আমি সাফো জয়েন করি 99-এ ফর আস ডায়ালগ ওয়াজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট অল দ্য প্রোগ্রামস উই হ্যাভ টেকেন আপ ইন দোজ ডেজ ইভেন টুডে are encouraging dialogues between the queer and the non-queer. Because it's an LGBT organization, we try and keep recruit people from the LGBT community. That is first. Our employment is open to all, definitely, on the basis of their credibilities. But we do give some sort of preference to PAGFP, person assigned gender female at birth, including trans men. So that is something that we, by policy, try and favor. My project currently looks at livelihood, and we are trying to provide jobs. Like, we don't have the jobs ourselves, but we are trying to act as medium. And by building a connection, we are kind of trying to ensure that they get those jobs. And we are trying to, sensitize employers so that they also, understand the need to make their workspace more inclusive. So that they can have LGBT identifying individuals in their offices, in their workspaces. মানে আমি যেরকম হেল্পলাইনটা হ্যান্ডেল করি তো সেখানে বিভিন্ন রকমের ফোন কল আসছে যেগুলো আগে হয়তো এতটা বেশি আসতো না মানে এতটা ফ্রিকোয়েন্সিতে আসতো না মানে অনেকে বাড়িতে সমস্যা হচ্ছে বা বাড়িতে মেনে নিচ্ছে না জানতে পেরে যাচ্ছে যেহেতু অনেকটা সময় বাড়িতে থাকতে হচ্ছে এই প্যান্ডেমিকের জন্য মানে এই সময়টায় অনেক বেশি আমার মনে হয় তাদের হেল্প প্রয়োজন পড়ছে কোনো সংগঠনের বা কোথাও একটা মানে অনেকে যেরকম বেরিয়ে আসছে বাড়ি থেকে তো তাদের থাকার জায়গা বা কোথায় পিয়ার সাপোর্ট কথা বলার জায়গা বিভিন্ন কাজেই তাদের আমার মনে হয় এই ধরনের একটা যোগাযোগের প্রয়োজন পড়ছে এবং সেইখান থেকে কথা হচ্ছে বিভিন্ন মানুষের সাথে The time when SAFO started, this was, to talk about lesbianism, even in small groups, it was not very common. So it was a bold step. For many of us, I think it helped our learning. A world free of all this discrimination, वही actually हम लोगों का vision है. Somewhere our voices are maybe at the margins, but are still being heard somewhere. So that realization gives us a lot of comfort that you're not completely unheard.
मैं इनवाइट करना चाहूंगी सुजीत सरकार जी को, जो रिजवान अदातिया फाउंडेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, कि वो आके सैफो फॉर इक्वालिटी को अवार्ड प्रेजेंट करें. आई इनवाइट कोयल एंड मधुरिमा, ट्रस्टीज फ्रॉम सैफो, टू कम ऑन स्टेज एंड एक्सेप्ट द अवार्ड. Heartiest congratulations, Sapo, for equality, and thank you, Sujit ji. Koyal, I request you to proceed to the green room before our next segment. Dr. Farrell ka manna tha ki samaj mein gender equality lane ke liye ye bhi bahut zaruri hai ki sansthaon aur netritv mein bhi mahilaon ki barabar bhagidari ho. उनके लिए जेंडर मेनस्ट्रीमिंग एक बहुत ही खास मुद्दा था जिस पे उन्होंने कई साल और खूब लगन से काम किया. टुडे इंश्योरिंग दैट वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप एंड बिजनेस गोज बियॉन्ड टोकनिज्म कंटिन्यूज टू रिमेन एन अपहिल टास्क. आर टू इंस्टीट्यूशनल विनर्स टुडे, बोथ बीइंग वुमेन लेड एंड वुमेन ओन्ड, वुड हैव मेड डॉक्टर फैरल प्राउड. If she were here, she would ask, how is it that we can replicate and scale such models of effective women's leadership? आइए सुनते हैं एक एक्सपर्ट पैनल से कि कैसे महिलाओं का नेतृत्व आगे बढ़ाया जा सकता है. I invite Ms. Nitika Pant, Secretary of Sakar, Dr. Kaustav Kanthi Bandopadhyay, Director at PRIYA, along with speakers from our two institutional winners today, Ms. Koyal Ghosh from Sappho for Equality and Ms. Jamila Nishad from Shaheen Collective on stage. Sakar, a social action for knowledge building and awareness raising, is a feminist organization based in Bareilly, India, which envisions a society based on the pillars of knowledge, awareness, justice, and gender equality. Dr. Kaustav, who has worked with Dr. Farrell in the past and is a firm believer in promoting women's leadership, will moderate the panel. Over to you, sir. Koyal, I request you to please come on stage. Koyal will be joining us in a minute. She'll be joining. नमस्कार, आप सभी को इस पैनल डिस्कशन में स्वागत है. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द पैनल डिस्कशन ऑन वुमेन टेक द लीड, महिलाओं की अगुवाई. लेट्स कंग्रेचुलेट अगेन विथ ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज जमीला निशाद, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ Shaheen Women Resource and Welfare Association based in Hyderabad.
the winner of the Martha Farrell Award 2021 in the category of Best Organizations for Gender Equality. Let us also congratulate Koel Ghosh, Managing Trustee, SAFO for Equality, based in Kolkata, for winning the Martha Farrell Award 2021 in the category of Best Jury Award Organization. Ladies and gentlemen, let me have the pleasure to introduce my friend and colleague, Nitika Pant, Secretary, Social Action for Knowledge Building and Awareness Raising, SAKAR, based in Bareilly, Uttar Pradesh. Jamila, Koel, and Nikita, we are privileged to have you with us in this event and particularly in this panel discussion. It was so fascinating to watch both the videos and to get to know some of your work. Let me start with a question to Jamila. How easy or difficult was to start this work, particularly with the women from the Muslim and Dalit community in old Hyderabad? The context matters. And I was intrigued, in your video, you emphasized looking outside for peace and harmony so that peace remains at home. Could you explain that? Basically, आप मैं दोनों जुबान में बोल सकती हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल. लेकिन ये हिंदी नहीं है, ये उर्दू है और हैदराबादी उर्दू है. तो बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, that was in the old city in an area where हमारे यहाँ कम्युनल राइट्स एक आदत सी है. आदत यानी कि अगर कुछ भी झगड़ा होना है तो उसको हवा दे दो और वो कम्युनल बन जाएगा. और समझो कि अगर किसी घर में ज्यादा पैसा आ गया है तो नेबर्स ही ऐसा करेंगे कि वो घर लूट जाए. और कम्युनल राइट्स इज मेंट फॉर दैट. और लूटने में चूंकि लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, और उन पर न सिर्फ घर वालों का बल्कि तमाम समाज का एक किस्म का अधिकार होता है. और उस अधिकार को हटाना हमारा मकसद है. बाहर बहुत ज्यादा रेप होता है तो अंदर वायलेंस अलग किस्म का होता है. तो ये जो बाहर का वायलेंस और अंदर का वायलेंस है, इसको खत्म करना और एक हार्मनी समाज में होना, ये हमको बहुत जरूरी समझा जाता है. बहुत कुछ बोल सकती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे. थैंक यू, थैंक यू. क्विल, योर वर्क इज अराउंड जेंडर सेक्सुअली मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन हु आइडेंटिफाई एज लेस्बियन, बाइसेक्सुअल वुमेन एंड ट्रांसमस्कुलिन पर्सन. How easy was, or how difficult was, to start this work with this community? In the beginning, I would like to say that I was not the one to start it. It was started by six people, six women, loving women, who thought that it was important to find a space where they can love themselves, where they can be themselves, where they can find a safe space. And with that intention, SAFO for Equality, the collective, was started. It is only in 2003 that we were registered as an organization. I joined much later. I joined in 2013. I was a young girl, a college pass out, and at that point of time I wanted to find a space where a person like me, who is attracted to other women, who feels in who feels different from others, who feels marginalized and alone, I got a chance to be part of this collective. I got a chance to find my home. I got a place where I was not marginalized, I was not rebuked, I was not made fun of because who I was. SAFO for Equality started with a vision, with a purpose. The purpose was to find a gender just society, a society where people will not be
marginalized, rebuked, discriminated on the basis of their sexual identity or their gender, gender identity or their sexual orientation, where people are not going to feel that they are the other, they are the margins, they are not the mainstream, when nobody will be thrown out of their natal homes just because they identify as a lesbian or a bisexual or a transmasculine person, when nobody will, people will get equal chances in jobs, where everybody will be treated equally, where nobody will be forcefully made to go to marriage or forcefully married off to somebody without their consent. So that was the ambition, that was the hope, that was the dream with which Sappho for Equality was created 21 years ago. And today here we are trying to make a difference in our own small ways. Thank you. Thank you. Thank you. नीतिका, आपका काम महिलाओं की नेतृत्व को आगे बढ़वाना है और ख़ास करके मुस्लिम और दलित समुदाय में और बरेली जैसी जगह में, वहाँ से शुरुआत की है. कैसा कठिन था और कितना कठिन था काम? थैंक यू कौस्तव और थैंक यू सभी को, ख़ास करके पुरानी यादों में ले जाने के लिए, क्योंकि कल साकार को 16 साल पूरे हो जाएंगे. तो एक्चुअली अच्छा लग रहा है कि इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट. और आसान तो नहीं था, मुश्किल था, क्योंकि बिल्कुल आपने सही बात की कि बरेली जो एरिया है पहले तो फिर भी शांत था, लेकिन 2011 में जो पहले राइट्स हुए थे, कम्युनल राइट्स, उसके बाद से एक्चुअली दहशत का माहौल काफ़ी ज़्यादा है. पहले तो को एग्जिस्टेंस थी, पर वो जैसे कि शाहीन जी बताई थी ना, आउटसाइड इनसाइड, वो कहानी वहाँ पर भी थी. तो जब शुरुआत करी तो काफ़ी दिक्कतें थी, महिलाएं साथ बैठती थी लेकिन फिर भी साथ नहीं थी, तो वो साथ बैठे लेकिन साथ हों उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा. फिर जब धीरे धीरे साथ है, तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल ये हुई जहाँ पे धर्म के साथ, रिलीजन के साथ साथ कास्ट भी आ गई. तो जब हमने ये बात की कि हम दलित और मुस्लिम महिलाओं के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो इसमें वाल्मीकि समुदाय का हम का इंक्लूजन, वो एक पॉइंट था जब हमें लग रहा था कि ये जो संगठन बना है, जिसमें कि काफ़ी समय लगा, खाते नहीं थे साथ में, जो खाने के डिब्बे, जो पैक्ड खाने के डिब्बे होते थे वो भी लोग घर ले जाते थे, वहाँ पे साथ में बैठ के नहीं खाते थे, या दिख जाता था कि दूर दूर बैठ रहे हैं, वो बहुत तरीके से करना पड़ा, लोग साथ में आए. लेकिन जब एक घटना हुई कि एक गाँव में एक विजिट थी और ये बात हुई कि चाय पियेंगे, और एक हमारे गाँव में मुन्नी है, एक गाँव है लटूरी, अब वो वाल्मीकि समुदाय से, तो सब लोग उनके घर की चाय पियेंगे, ये प्लान था. तो जब वो चाय की बारी आई, मीटिंग बहुत अच्छी हुई, सबने कहा हम लोग एक साथ रहते हैं, बहुत काम है, सब कुछ हुआ. लेकिन जब वो चाय की बारी आई, तो धीरे धीरे करके सबके घरों में कुछ ना कुछ काम निकल आया, सबके घरों में मेहमान आए थे, वो जाने लग गए, और वो पूरा जो मैदान था वो साफ हो गया. अब ये एक पॉइंट था, मैं इसलिए इस बात को एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली टर्निंग पॉइंट था साकार के, जितना भी हमने काम किया था, क्योंकि महिलाएं साथ आई और एकदम से वो टूटन पैदा हो गई कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं. अभी तक तो सिर्फ दलित और मुस्लिम की बात थी, अब ये वाल्मीकि महिलाएं कहाँ से आ गई. और वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट फेज था कि दोबारा से संगठन को जोड़ें, क्योंकि वो एक साल हमको काफी मशक्कत करनी पड़ी. लेकिन हाँ, धीरे धीरे काम हुआ, अब खा भी रहे, पी भी रहे हैं, और हम लोगों ने एक पद यात्रा की थी, तो हम लोग गाँव में रुके थे, तो सोए भी साथ में, तो चेंज हो रहा है. लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट एन इजी पार्ट, लेकिन अब याद करें तो अच्छा भी लगता है. वो नहीं होता, ये भी जरूरी है कहना कि अगर वो नहीं होता, वो लटूरी वाली घटना नहीं होती, तो शायद जो हम इंक्लूसिव स्पेस की बात करें और सबको शामिल करने की बात करें, वो नहीं हो पाता. फिर दलितों में कौन और मुसलमानों में कौन, फिर वो सवालों से हम आज भी जूझ रहे होते. तो थैंक यू निकिता. Well, what motivate the colleagues in Sappho to continue this work? Actually, जब हमने शुरू किया था तब हमें एक स्पेस की जरूरत थी जहाँ हम अपने जैसे बन सके, अपने जैसे रह सके, जहाँ नोबडी हमें अपनी अस्तित्व की वजह से कोई हमें मार्जिनलाइज ना करे, कोई हमसे छोटा ना करे, कोई हमें नीचा ना दिखाए. फिर हमें समझ में आया कि ये आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब आप एक औरत होते हो, आपके ऊपर ऐसे ही भी डिस्क्रिमिनेशन होता है,
जब एक मुस्लिम औरत होते हो आपके ऊपर थोड़ा और डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब दलित मुस्लिम हो तो और ज्यादा, और अगर उसके ऊपर आप लेस्बियन हो या बाइसेक्सुअल हो या ट्रांसमैस्कुलाइन हो, फिर वो आपके सेक्सुअलिटी के ऊपर बेस करके भी आप पे बहुत ज्यादा वायलेंस होता है। तो मार्जिनलाइजेशन एक तरह का नहीं होता है, बहुत तरह का मार्जिनलाइजेशन हमारे देश में है। हमारे देश में बहुत तरह की लोगों को हर चीज की वजह से, जहां उसको अलग बनाता है मेन स्ट्रीम से, कहीं भी अलग करता है, तभी वो इंसान उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उस पर अन्याय किया जाता है, उसको बुरा भला कहा जाता है, उस पर मजाक उड़ाया जाता है। बहुत गुस्सा है हम में, बहुत ज्यादा गुस्सा। वो गुस्सा है कि हर बार जब भी हम अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं, कभी भी हम अपने एंटाइटलमेंट के बारे में बात करते हैं, जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए, जो हमको नहीं मिलता ना, वो गुस्सा हमें आगे लेके जाता है, वो पैशन हमको आगे ले जाता है कि आज 21 साल पहले 1999 में जो सिचुएशन था, शायद आज वो थोड़ा बदला है। आज हम आज क्रिमिनल नहीं है, आज हमको जेल में हम किसके साथ रहना चाहते हैं उसके बेसिस में हमको कोई जेल में नहीं डालता। लेकिन ये है कि आज भी हमें वर्क प्लेस में बोलिए, घर में बोलिए, हर जगह अपने ओरिएंटेशन के बारे में, हमारे जेंडर आइडेंटिटी की वजह से हमको अभी भी बहुत नीचा दिखाया जाता है, हमें हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो जब तक ये बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ लॉ से नहीं, सोसाइटी से, समाज से, ये समाज जब बोले कि आप और हम एक है, और ये नहीं है कि आप ऐसे हैं तो आप अलग रहिए, जिस दिन वो हो जाएगा शायद उस दिन गुस्सा, दुख, खोफ कम हो जाए, उस दिन शायद मोटिवेशन भी कम हो जाए। लेकिन जब तक वो रहेगा उतना दिन तक हमारा मोटिवेशन रहेगा, उतने दिन तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक लास्ट, जहां तक माता जी ने बोला था ना, जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक खत्म नहीं है। तो शी हैड कंटिन्यूड इट टिल हर लाइफ, and you know even after death that continues. So each of us who believes in a viewpoint, in a politics, we will stick and fight for it till the last breath. So that is, I think, what motivates us. Thank you. Zameel ji, kya inspire karta hai Shaheen walon ko aage jaane ke liye aur continue karne ke liye kaam? Ye main isko fighting nahi kahungi, main ye kahungi ki ek lamba safar hai जिसमें हमको कारवां को साथ लेके चलना है, और ये कारवां के सफर में जो लोग शामिल हमारे साथ हो रहे हैं वो पूरे जमीनी स्तर के हैं, सब जमीन से जुड़े हुए हैं। उन गलियों में जहां पर कल तक कम्युनल राइट्स होके लड़की घर के बाहर नहीं जाती थी, आज वो लड़कियां बाहर आ रही हैं और वो डिजिटल लिटरेसी भी सीख रही हैं और आगे आगे बढ़ रही हैं, और ये सफर बाकी रहेगा, उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक ये जहां रहेगा। नितिका, क्या इंस्पायर करती है? एक तो मैं कहूंगी कि जो महिलाओं की लीडरशिप है वो जैसे आगे आई है वो इंस्पायर करता है। दूसरा, जो सेकेंड जनरेशन है, जो उनके घरों में चेंज देखने को मिल रहा है, वो काफी ज्यादा इंस्पायर करता है, क्योंकि जो हम एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ कर रहे हैं वो बहुत अलग किस्म का काम है, बहुत अलग किस्म के मुद्दे हैं। और जैसे कोयल कह रही है ना, वो जो गुस्सा और वो जो फायर है, एक्चुअली वो फायर बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन है जो मोटिवेट करता है, कभी कभी उल्टा डुलता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि सफर है तो वो तो जारी है। क्या सपोर्ट सिस्टम आपको मिला है? ये जो काम आप कर रहे हैं, किस तरह की सपोर्ट सिस्टम आपको मिला है? सपोर्ट की अगर बात करें तो एक तो नंबर्स एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोगों ने 16 साल पहले शुरू किया था, हमने 8 गांव से शुरू किया था, और शुरुआत में कोई कलेक्टिव नहीं था, तो वहां से शुरुआत करी थी। आज उसमें 2500 महिलाएं जुड़ी हैं, तो वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। दूसरी बात मैं दोबारा से कहूंगी, जो लीडरशिप उभर के आई है वो एक अनदर सपोर्ट सिस्टम है। जो वाल्मीकि महिलाओं की लीडरशिप और मुस्लिम महिलाओं की लीडरशिप आई है वो एक सपोर्ट है। फिर ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स हैं, जो हमारी टीम है, वो पिलर्स एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि उनके बिना वही तो फ्रंट लाइन में तो एक्चुअली अब वही है, तो वो जो आगे ले जा रहे हैं, वो जो विजन और मिशन को ऑर्गेनाइजेशन के आगे ले जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और वो मोटिवेट भी करता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगी। और थैंकफुली जो पुराने साथी हैं वो अभी भी हैं, क्योंकि वो एक्चुअली शायद उस नब्स को जानते हैं,
मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो नए साथी जुड़ते हैं वो नहीं जानते, लेकिन हाँ जो शुरुआत में जुड़े हैं उन्हें वो नब्स पता है कि कहाँ पे कैसे, कहाँ पे वो नकेल कसनी है और कहाँ पे डीली छोड़नी है। वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी है, वो क्रिटिसाइज भी करता है क्योंकि, और वो डायरेक्शन भी देता है। और एक बड़ा सपोर्ट जो मिला वो राजेश भाई हैं। मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि जब 16 साल पहले शुरुआत करी थी तो 45 मिनट तक बहुत रगड़ा था और ये कहा था कि नहीं नहीं तुम सोच लो, मैं और शिल्पी जो को फाउंडर हैं साकार की, सोच लो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और फाइनली उन्होंने बोला था यस यू कैन डू इट। तो दो चीज़ें उनकी बहुत याद हैं, यू कैन डू इट और दूसरा लर्न टू से नो। तो ये दो चीजें हैं जो सपोर्ट रही हैं हमेशा समवेयर यू नो बैक ऑफ द माइंड एंड द लव एंड अफेक्शन ऑफ पीपल। यस सो यू हैव डन दैट, ट्राइड डूइंग इट एंड ट्राइंग मोर। थैंक यू जमील जी, क्या सपोर्ट सिस्टम शाहीन को उपलब्ध है या आपकी जो खुद की जो नेतृत्व है कहां से आप सपोर्ट ड्रॉ करते हैं? मैं यूं कहूंगी कि जब शुरू में हम शुरू किए थे तो कोई वुमन ऑर्गेनाइजेशन या वुमन्स इंस्टीट्यूट वो एरिया में बिल्कुल नहीं था। चाहे वो एक टेलरिंग सेंटर क्यों ना हो, उसका हेड आदमी होता था। आज जो सपोर्ट मिला है वो उन 5 लड़कियों का शुरुआत में जो मेरे साथ जुड़ी रही और जो अभी तक भी मेरे साथ जुड़ी हैं। जब सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब हम ट्रेनिंग किए सेक्सुअलिटी पे तो तमाम और लड़कियां चली गईं, बस ये 5 लड़कियां हमसे जुड़ी रही और यही 5 आज आप जैसे बता रहे हैं 1000 से ज़्यादा लोगों तक पहुंची हैं और यही 5 की वजह से शाहीन ठहरा हुआ है। सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली हमको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी और वो फाइनेंशियल सपोर्ट हमको टाइम टू टाइम मिलता रहा। एक ख़ास तौर पे एक शाहीन नाम की लड़की थी जो हाईटेक सिटी में काम करती थी, उसने अपने ज़िंदगी में अपनी कमाई से 600 रुपये हमको दिया एक साल भर तक। वो भी वो छोटा सा एक खतरा भी क्यों ना हो वो हमें सपोर्ट देता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं लोगों को न सिर्फ पसंद है बल्कि वो हमसे जुड़ रहे हैं। आज हैदराबाद में शाहीन के नाम से हाईटेक सिटी से लेके ओल्ड सिटी तक सभी जानते हैं कि अगर कुछ हो झगड़ा तो शाहीन में आ जाइए। Well, आपके लिए और आपकी साथियों के लिए क्या सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है? जब शुरुआत हुई थी तब ज्यादा सपोर्ट शायद नहीं था। आज एक्चुअली सैफो एक 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 इंसान नहीं है, सैफो बहुत सारी सोचों का एक एक अमालगमेशन है, बहुत सारे लोगों का सपना है जो एक साथ होके चलता है। और जो शुरुआत से थे वो 5 लोगों में, वो उसके बाद लोग जुड़ते चले गए और उन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत सारा टाइम बहुत सारा रिसोर्स सैफो के लिए कोई इंटरेस्ट के बिना ऐसे ही बस क्योंकि उनको विश्वास था इस इंस्टीट्यूशन पे, इस ऑर्गेनाइजेशन पे, इस पॉलिटिक्स पे, हम जो बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ स्टैंड पॉइंट, वो उस पे विश्वास करके बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी की बहुत सारा टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, हमें दिया है और हमारे साथ चले हैं। और आज भी वो हमारे पास है, जो हमारे सीनियर लीडरशिप में थे अब उन्होंने उनका जो हैंड होल्डिंग करके हमको अब लीडरशिप पोजीशन में ले आते हैं और हमको भी विश्वास है कि हम भी हमसे जो यंगर जनरेशन है उनको लीडरशिप का बैटन जो है वो पास करेंगे। और जब तक ये कॉज रहेगा तब तक सैफो रहेगा और तब तक सैफो ये काम करता रहेगा। ये बहुत मतलब ये अवार्ड एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक रिकॉग्नाइजेशन है। मैंने वीडियो में बोला था ना कि यू फील हर्ड, आज हमें बहुत लगा कि वी फील सीन, वी फील हर्ड, वी फील रिकॉग्नाइज्ड एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी आर वेरी हम्बल नॉट जस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो एज अ कम्युनिटी एट लार्ज। ये कम्युनिटी को ना बहुत बहुत अलग से रखा जाता है, बहुत डिफरेंट से ट्रीट किया जाता है, तो हमारे लिए ये बहुत एक स्ट्रेंथ देता है,
एक पावर देता है। और आई थिंक ये सपोर्ट वो हर इंसान जो ये कम्युनिटी में बिलोंग करता है, वो हर एक इंसान जो प्यार से हमसे दो बात कर लेता है, वो हर एक इंसान जो हमसे गले मिल लेता है, जो हमसे प्यार से चार, वो बहुत अच्छा लगता है। और वो सपोर्ट जब तक रहेगा तब तक हमको ये स्ट्रेंथ भी रहेगा, आई थिंक। सो या वो थैंक यू सो मच। साथियों, आप लोगों ने सुना कि कोयल की पैशन, जमेल की करवा और नीतिका जो कह रही थी कि वी कैन डू इट, ये जो विश्वास कैसे नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो जेंडर स्टीरियोटाइप है और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके बेसिस पे कैसे ये तीन ऑर्गेनाइजेशन और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ महिलाओं की नेतृत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और उसको आगे लेके जा रहे हैं। एक बार और सबके लिए तालियां, और आने यहाँ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, panelists, and thank you, Dr. Kaustav. This was a very, very illuminating discussion. You know, learning from your experiences is so critical for us to ensure gender justice, and even more so for us at the Martha Farrell Foundation. Over the past 5 years, our work has been rooted in creating gender-positive ecosystems that make the pathways to women's leadership and empowerment easier and promote gender justice, equality, and inclusion. 5 saalon se hum jo kaam karte aa rahe hain, you know, ye kaam in cheezon se bahut bahut nazdeeki tarike se juda hua hai. To aaiye milkar dekhte hain a little bit about our foundation and a little bit about our work. Thank you. More information about our work is available in the lobby. You know, as the ceremony draws towards a close, I invite you now to enjoy an engaging performance by Manzil Mystics. Manzil Mystics is a Delhi-based choir band known for their original composition, which reflects the ideas of Kabir in indie fusion folk form. Through their music, they are making the world re-experience the 500-year-old tradition of group singing and performances.
welcome the band. So we are Manzil Mystics, and before our performance, यहाँ पर एक बहुत ही special performance होने वाला है हमारे young friends का, जो कि भारत के अलग-अलग states से हैं. और ये सारे बहुत ही अमेजिंग लीडर्स हैं. हमारा सेशन था इनके साथ, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे वी हैड अ सेशन विद देम ऑन लीडरशिप एंड हाउ वी कैन यूज आर्ट एज अ क्रिएटिव टूल. सो उस वर्कशॉप के दौरान एक्चुअली इन लोगों ने बहुत ही सुंदर गाना लिखा है और हमने उनको सिर्फ थोड़ी सी एडिटिंग करके और कंपोज किया है. So they are going to present this song. Please have a round of applause for these young youth leaders. Thank you.
करते थे और करते रहेंगे हम, यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे हम। हमने खुद को पहचाना है, पहचाना तो ये जाना है। हमने खुद को पहचाना है, पहचाना तो ये जाना है। एक रात के नहीं कभी हम, हेलो। हाँ, तो आप लोगों को कुछ पहचान मिली हमारी बच्चों की अपनी। इस तरह के गाने एक्चुअली हम ना ही सिर्फ इवेंट की बच्चों की, हम सबकी एक पहचान हो जाती है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा उन सारे अमेजिंग आर्टिस्ट का जिन्होंने इतना सुंदर गाना लिखा है। थैंक यू सो मच। आप जब मैं बैक स्टेज सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे देश की एक नई पहचान है। तो और मैं देख सकता हूँ कि हमारी देश की आने वाली पहचान कितनी सुंदर और मासूम है। तो थैंक यू सो मच इतनी सुंदर पहचान देने के लिए। हम लोग चेक। हाँ चेक। हाँ, अब भैया इसमें नॉइस बढ़ गया। तो सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि हमारी टीम से तीन लोग नहीं आए। हम बहुत बड़ा बैंड है और पिछले 12 साल से हम लोग खुद के या फिर भैया इसमें नॉइस है। ये सिर्फ मुझे अंदर आ रही है, बाहर भी है नॉइस? ये बाहर भी आ रही है आपको? चेक। बीप का साउंड है ना? चेक। हेलो। हाँ, गए नहीं, आ गया वापस। हेलो। चेक। हाँ, गया वापस, आ गया। चेक। हाँ, तो भैया मैं बात करता हूँ, आप उसको थोड़ा सा चेंज करिए। सो अभी आज की शाम का जो हम पहला गाना गाने वाले हैं, ये मेरा फेवरेट गाना है। और आज की शाम, आज के इस कार्यक्रम के लिए तो बहुत ही ज़रूरी गाना बन जाता है। जब हमें पता चला कि हम मार्था फेरल में वापस से आ रहे हैं, अपने प्रिया और मार्था फेरल परिवार के साथ वापस से मिलने जा रहे हैं। सो आज से करीब 8 साल पहले हम लोगों ने कमला भसीन जी के साथ मिलकर एक गाना बनाया था। उनका एक गाना है इरादे कर बुलंद। और जब मैं उनकी मूवी देख रहा था तो मुझे सच्ची में लगा कि हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ रहती हैं। शायद वो शरीर नहीं रहता, पर वो गानों के ज़रिए और अपने काम के ज़रिए कमला जी हमारे साथ, हमारे बीच में हैं आज। ये वाला गाना उनका फेवरेट गाना था। आज उनके हम दो गाने गाने वाले हैं और ये गाना मेरा फेवरेट गाना है। सो जैसे आपको लगे ना कि इस गाने के बोल आपको समझ में आ गए हैं, तो आप हमारे साथ प्लीज़ ये गाने लग जाना। हम लोगों का हमेशा से ये लक्ष्य रहता है कि हम लोग परफॉर्मेंस ना करें, हम सत्संग करें, हम बातचीत करें। और हम जब सत्संग होता है ना तो सब लोग गाते हैं, सिर्फ परफॉर्मर नहीं गाते। तो हम लोग खुद को परफॉर्मर नहीं बोलते और ना ही मानते हैं। सो आपको मेरे साथ क्या गाना है,
मैं या फिर रश्मि आप बोलेंगे और फिर वो रिपीट करें। हाँ कर सकते हैं। हाँ तो गाने के बोल कुछ इस तरह हैं, इरादे कर बुलंद रहना शुरू करती तो अच्छा था, इरादे कर बुलंद रहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। हम इसको धुन में गाएंगे और प्लीज आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। Thank you.
एक मिनट, एक गिटार बजिया, गिटार नहीं आ रहा भैया बिल्कुल भी, बंद हो गया, आप बीच में ही बंद हो गया था शायद, उसकी वायर में प्रॉब्लम है, आप बदल लेंगे। सो आप सभी लोगों से हम अपॉलॉजी मांगते हैं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आप बीच बीच में साउंड सुन रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, कहीं से शोर आ रहा है, तो शायद थोड़ा साउंड में थोड़ा दिक्कत है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे मैनेज हो जाए, बट साउंड आप लोगों को कैसे आ रहा है? अच्छा आ रहा है, बस वही सुनना है हमें आपसे कि आप लोगों को अच्छा सुनाई देगा। हाँ जी ठीक है, हम करते हैं सही। बट दोनों गिटार में कैसे हो सकती है, उसमें भी बीच बीच में इस साइड का जो भैया बजा रहे हैं ना, ये वाला बिना माइक के हम गा रहे हैं। हम थोड़ा सा अपने बारे में बता देते हैं अनुराग, लेट्स शेयर अबाउट आवरसेल्फ लाइक यू कैन। सो यहाँ खान मार्केट में एक एनजीओ है मंजिल, वहाँ से हम लोग आते हैं और हम लोग यहीं आसपास साउथ दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे और हम लोगों को मतलब स्कूल्स में ना ही घरों के आसपास में म्यूजिक सीखने के लिए नहीं मिलता, मिला अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पर आए और हमें यहाँ पर आकर रवि भैया मिल गए, कबीर जी मिल गए और हम लोगों ने गाना गाना शुरू कर दिया। बट फिर बहुत जल्दी हम लोगों को पता चल गया कि गाना जब हम लोग गाते हैं तो लोग खुश होते हैं, हम लोग खुश होते हैं, सामने वाला जो सुन रहा है वो खुश होता है और उस खुशी को और खूबसूरत बनाने के लिए हम लोगों ने कबीर जी, गांधी जी, कमला जी जैसे पोएट्स को के साथ से इंस्पायर होकर गाने लिखना शुरू किया और करीब 6 साल बाद हम लोगों को लगा कि हम लोग सिर्फ स्टेज पे आते हैं, परफॉर्म करते नहीं हैं, हम लोगों के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साझा कर सकते हैं। सो हम लोग के बीच में एक चीज़ कॉमन थी और किसी ने हमें बताया कि दिल्ली में हमारे जैसे 42 लाख बच्चे हैं और 42 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको हमारी तरह म्यूजिक एजुकेशन नहीं मिलता, बट म्यूजिक सिखाना ऑब्जेक्टिव नहीं था, मतलब म्यूजिक के जरिए कुछ हो जाए। सो हमने देखा कि हमारे पास रश्मि है जो कि एक रजिस्टर्ड नर्स है, मिडवाइफ है वो, और उन्होंने हॉस्पिटल में बहुत साल काम किया है। सो उनके एक प्रोफेशन को और उनके इंटरेस्ट को मैरी करते हुए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया विभोर, जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कैसे गाना गाना है, लिखना और कंपोज करना है, पर हम अपनी एक्टिविटीज़ को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जो भी सीख रहा है स्पेशली बच्चा लोग, दे कवर मेंशल हाइजीन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेंडर एजुकेशन और क्या कहते हैं लाइफ स्किल्स सब्जेक्ट्स ऑल थ्रू म्यूजिक। अभी हम लोग बच्चों लोगों के लिए एक भार बस भी लेके आए हैं क्योंकि हम लोगों ने हिंदुस्तान का सबसे पहला मोबाइल स्टूडियो बनाया है, एक बस को कन्वर्ट किया है जिसके अंदर एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, क्लासरूम है और परफॉर्मेंस स्टेज है, क्योंकि हर गली या फिर हर स्कूल में स्टूडियो बनाना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि बहुत बहुत महंगा होता है और ज़रूरी नहीं है कि वो क्वालिटी हर जगह पहुंच पाए, तो इसलिए हम लोग लोगों ने ये बनाया और इसीलिए इस साल 4 तारीख को हम लोगों को फिनलैंड बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन 100 है जिसमें हमें लोगों को अवार्ड मिला है दैट वी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड स्केलेबल इनोवेशन इन द वर्ल्ड इन एजुकेशन, और ये सब इसीलिए हो पाए क्योंकि मार्था फेरल, प्रिया और मिलान, इनफैक्ट मिलान भी उस परिवार में से एक है, प्रभास वैसी, इन परिवारों ने हमें यहाँ तक आने का मौका दिया है। जैसे आज इतने सारे बच्चे यहाँ पर आए थे, हम कुछ इतने सारे तो नहीं थे, हम 28 लोग थे जब 2009 में हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू करी थी, अभी कम हो गए पर हमारे बच्चे लोग बहुत सारे, हमारे कुछ बच्चे लोग भी वहाँ पर आए हुए हैं आज, बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ बच्चे आज इंडियाज गॉट टैलेंट के ऑडिशंस में भी गए हैं हमारे। So, are we ready? Yeah, ready. No. ठीक है, so, हमारा जो अगला गाना है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, तब तक आई एम होपिंग कि ये सही हो जाएगा। हमारा अगला गाना है आओ हम, ये हमारा पहला गाना था और ये गाना हमने 8 अलग अलग स्टाइल में बनाया है, ये 8वां स्टाइल है। इस गाने को हम हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश में गाते हैं, 17 दिसंबर के बाद हम इसको गुजराती में भी गाया करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 लैंग्वेजेस में तो हम ये गाएं।
इनफैक्ट रश्मि ने एक और रश्मि का जो पूरा टीम है विभोर, उन्होंने एक गाना लिखा है मेंशल साइकिल पे, इट्स कॉल्ड रानी। वो गाना भी अभी हम 10 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहे हैं। सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा सारे सॉन्ग। सो आप लोगों को मेरे साथ क्या गाना है, आप लोगों को गाना है आओ हम। क्या गाना है आपको, आपको रिपीट करना है? नहीं, मैं तब तक हम नहीं गाएंगे। देखो ये गिटार तो ठीक होता रहेगा जब तक आप नहीं गाओगे, ठीक है? तो आपको गाना है आओ हम। हमें बताया गया है करीब 80 लोग हैं यहाँ पर और 80 लोगों वाली आवाज नहीं आ रही। आपको गाना है आओ हम ढूंढ ले जीवन के सातोरा। हम गा पाएंगे? आसान है पर ये तो बोलना हो गया, हम गाएंगे। ठीक है, शुरू करें? चलो। Oh,
मिलकर गाए एक तराना ढूंढे खुशियों का खजाना सोलो बहुत शुक्रिया। लेट्स डू अ टाइम चेक। हम लोग सोच के आए थे कि हम चार गाने गाएंगे, बट अभी टाइम को देखते हुए क्या हम दो और गाने कर पाएंगे या फिर एक गाना कर दे? अच्छा, ऑर्गेनाइजर्स अगर जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पांच भी कर सकते हैं, बट हम दो कर देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अगला जो गाना है ना, वो मुझे याद है इस पोयम को कमला जी हाउस बैंड बोलती थी। वो कहते ये गाना मतलब शब्दों ने कितना घेरा हुआ है ना, मतलब जब किसी से शादी होती है तो वो हमारा पति परमेश्वर मतलब भगवान बन जाता है ना। भाषा बोल रही है कि आप मुझसे ऊपर रहो, राइट, या फिर स्वामी मतलब मास्टर एंड द बॉस इज ऑलवेज राइट, राइट है ना, या फिर हस्बैंड मतलब वो एनिमल हस्बेंड्री वाला हस्बैंड की नहीं बात करें, वो हस्बैंड की बात करें। तो कहते हैं कि जब ये जो रिश्ता है ना, इतना इतना सुंदर रिश्ता है, तो जीवन साथी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे बढ़े तो मजा है। तो वो ना रंग बरसे वाली ट्यून में गाते थे कमला जी इनको, इस गाने को। और जब हम गए तो आई स्टिल रिमेम्बर हर रिएक्शन। उन्होंने कहा कबाड़ा कर दिया मेरे गाने को तूने, एंड फिर हंस के बोला बट ये गाना जब भी स्टेज पे जाएगा जरूर गाइयो, क्योंकि उनको लगता है कि इस गाने से जो एनर्जी आती है ना वो उससे बहुत कनेक्ट होती थी। आई स्टिल रिमेम्बर वो आज से करीबन 4 से 5 साल पहले जब हमने लास्ट उनके सामने ये वाला गाना गाया था, एंड शी वाज डांसिंग हैबिटेट सेंटर में परफॉर्म हुआ था। तो आप लोगों को क्या गाना है, आपको पता है? आपको गाना है मिलजुल के मिलजुल के। क्या गाना है? आई थिंक हमारे फ्रेंड्स को ये गाना आता है गाइस, हमने गाया था वर्कशॉप में। सो आप लोगों को हमारे साथ स्पेशली गाना है। अच्छा बताओ क्या गाना है आपको, गा के बताओ। समझ में आ गया? आपको जब भी ये लाइन आएगा आपको मेरे साथ हमारे साथ गाना है, ठीक है? शुरू करें सर, रॉक कर दें हम फिर। जस्ट हाँ, आप कुछ कह रहे हैं सर? आप मॉनिटर में थोड़ा गिटार बढ़ा सकते हैं, हल्का सा बढ़ा दीजिए, एंड ये थर्ड वाला माइक भी बढ़ा दीजिएगा, ज्यादा नहीं लेकिन। कौन सा है
हिस्सा है जहाँ पर ये शुरू होता है। जेंडर भेदभाव घर का एक हिस्सा है, कौन बता सकता है यहाँ पर? यस यस किचन। तो कमला जी क्या कह रही है कि क्या कर सकते हैं हम? खाना बनाने का वक्त जब आया, खाना बनाने का वक्त जब आया, बीबी बनाए दाल पलम फुलके मिलजुल के, बीबी बनाए दाल पलम फुलके पर गाँव के लिए का वक्त जब आया, बीवी लाए नोट बारी बलम हल्के मिलजुल के मिलजुल के, अरे बीवी लाए नोट बारी बलम हल्के मिलजुल के 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 मिलजुल के। गाइस फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे बाहर जाके। गिटार नहीं बज रहा है, कोई बात नहीं, हम बिना गिटार के गा लेते हैं। एक गिटार बज रहा है, अच्छा लग रहा है। सर आप संभाल लोगे सब? आप अच्छे लड़के हो, हमें लगता है आप संभाल लोगे। आप इलेक्ट्रिक से ही बजाओगे या फिर? आप वारी वारी ठीक है, इलेक्ट्रिक ठीक है, वारी ठीक है। So, नीति आप वारी? हाँ मैं वारी वारी। तो सबसे पहले तो थैंक यू मार्था फेरल हमें दोबारा यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि जब हम बार बार एक जगह जाते हैं ना तो हमें लगता है कि यहाँ पे सिर्फ हम म्यूजिक करने नहीं जा रहे हैं, यहाँ से एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है जो आगे बढ़ रहा है। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग अस अगेन और थैंक यू। और हमारा जो आखिरी गाना है, इतनी एनर्जी के बाद मैं बकबक नहीं करना चाहती और ज़्यादा, तो हमारा जो आखिरी गाना है वो हम सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट गाना है, क्योंकि वो हम डेडिकेट करते हैं अपने लाइफ के उन टीचर्स को जिनसे हम कुछ सीखते हैं, जो हमें कुछ पाठ पढ़ा के जाते हैं। तो कल जो मैंने गाना लिखा, एज राइटर मैं बहुत सारी जगह मंजिल मिस्टेक्स के साथ जाती हूँ और गाने लिखती हूँ, तो कल मैंने गाना लिखा और जैसे मैं रूम में घुसी और वहाँ पे बहुत एक जगह पेड़ बना है, एक जगह पतंग बनी है, एक जगह नदी बना हुआ है, एंड मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि इतना अच्छा गाना हम बच्चों के साथ लिख पाएंगे, क्योंकि लिखते लिखते भी ना हम बड़ा ही वो हो जाते हैं कि एक ही जैसी चीजें बार बार आती हैं।
बट तो कल के सेशन के बाद मुझे लगा, बच्चों ने मुझे काफी सारी चीजें बताई कि हम कितने अलग अलग तरीके के होते हैं. कभी हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, कभी हम बहुत फ्लूड होते हैं, कभी हम बहुत सैड हो जाते हैं. बट इन ऑल द मूड्स कि हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, रंग बदल बदल के, रूप बदल बदल के. तो ये गाना उन सब टीचर्स के लिए जो हमारी लाइफ में आते हैं और हमें कुछ सिखा के जाते हैं और बिना किसी तीर्थ व्रत के हमें प्योर कर देते हैं, हमें पवित्र कर देते हैं. तो गाने का नाम है वारी जाऊं रे. हमारा सदगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे. थैंक यू. सो जब आप ये सुने, आपके उस टीचर को हम याद करते हैं और ये उस टीचर को हमारी जिंदगी में वेलकम करते हुए एंजॉय करने वाला गाना है. Yes. किसी भी मोमेंट पे आपको लगे आपको गाना आ गया, आप गाने लग जाना. और किसी भी मोमेंट में लगे कि आपको अब नाचना है तो आप नीचे आके डांस करने लग जाना, हमें बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि हम तो गाने भी वाले हैं और नाचने भी वाले हैं. स्पेशली सारे वॉलंटियर्स को, क्योंकि ये आखिरी गाना है, आप लोग प्लीज बहुत मेहनत कर रहे इतने दिनों से, कम हियर एंड जस्ट एंजॉय. सब सखी मिलकर हालो केसर दे
तक मिलकर हालो केसर तिलक लगाओ रे केसर तिलक लगाओ रे केसर तिलक लगाओ रे केसर तिलक लगाओ रे सब सख मिलकर हालो केसर तिलक लगाओ रे सब सख मिलकर हालो केसर तिलक लगाओ ओ हड़े हेत सोले वो बधाई बारे जाओ रे ओ हड़े हेत सोले वो बधाई बारे सतगुरु पार उतारे मैं बारी जाऊं रे हे जी बारी बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मार सतगुरु मार निर्गुण मार सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे मार निर्गुण आंगन आया मैं बारी जाऊं रे हे जी बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हे जिवारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मार सतगुरु मार निर्गुण मार सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे मार निर्गुण आंगन आया मैं बारी जाऊं रे बहुत 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 शुक्रिया. लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई बैंड हियर. वी हैड मोहित ऑन इलेक्ट्रिक गिटार. कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मोहित. साथ खान ऑन गिटार एंड वोकल. थैंक यू. लेटर ऑन वोकल ओनली. ऑन पर्कशन वी हैव गौरव हियर. ऑन वोकल वी हैव आरोक्सास हियर. नीति प्रीति दोनों राइम में नाम है. रश्मि मानिक शिवम और मैं अनुराग. और हमारे साथ हमारे ग्रुप के कर्ता धर्ता हमारे माए बाप शाहबाज जी फोटो खींच रहे हैं. और बाहर जब आप हमारी बस जाके देखेंगे आप बाहर जाएंगे तो आपको दिख जाएगी बस. हमारे बस में हमारी बस लिटरली भगवान भरोसे चल रही है क्योंकि हमारे ड्राइवर का नाम भगवान जी है. तो आपको वहां पर हमारे सारथी मिलेंगे भगवान और रोहित. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.
थैंक यू मंजर। That was amazing. You know, once we have the mics clear, I'd just like to invite our winners, our jury members, our award presenters, panelists, and the foundation's board members on stage for a quick photograph, please. Thank you everyone. Thank you. I invite Dr. Tandon now to deliver the vote of thanks. ये आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks तो हमारे विनर्स का है, शुक्रिया उनका अदा करें. वो काम कर रहे हैं जिस काम का समाज में बहुत जरूरी काम है. और मैं नित्या और अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं. और मंजिल के साथियों ने कही दिया, वारी जाऊं रे. थैंक यू एवरीवन. विद दैट वी दिस इवेंट ड्रॉज टू अ क्लोज. Thank you for being here. I request everyone to move down for refreshments outside of the hall. Thank you once again for joining us. Have a good weekend.